नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में मेरे पास है दोस्तों ये अल्ट्रा वॉच का क्लोन वर्जन, ये है दोस्तों MT8 अल्ट्रा। और दोस्तों ये एप्पल वॉच अल्ट्रा का काफ़ी अच्छा क्लोन वर्जन है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कैसे आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ, और कैसे दोस्तों आप इस वॉच में डे डेट टाइम को सेट कर सकते हो, और दोस्तों कैसे आप इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो, देखिए इस वॉच में जो टाइम है वो सेट नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 00:20 एंड यहाँ पे डे डेट टाइम जो है बिल्कुल भी सेट नहीं है इस वॉच में। अगर आप मेरे फ़ोन में देखोगे टाइम तो यहाँ पे देखिए 10:46 हो रहे हैं, बट वॉच में डे डेट टाइम सेट नहीं है। तो दोस्तों वॉच को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने प्ले स्टोर में जाना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपने टाइप करना है Meitufit MAITU, ये देखिए ये। तो दोस्तों ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है Meitufit, तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ऐप अभी हमारे स्मार्टफोन में देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपने एग्री कर देना है इसको। एंड दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेंगे उनको आपने अलाउ कर देना है। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी ऐप ओपन हो चुकी है एंड दोस्तों यहाँ पे आपने जाना है देखिए डिवाइस वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड डिवाइस वाले ऑप्शन में एंड देखिए दोस्तों इसको आपने एग्री कर देना है एंड इसको आपने देखिए वाइल यूजिंग द ऐप में सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी वॉच शो कर रही है MT8 अल्ट्रा। तो यहाँ से दोस्तों आपने वॉच को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस में भी आपने वॉच को पेयर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है पेयरिंग सक्सेसफुल। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन के साथ देखिए पेयर हो चुकी है एंड दोस्तों अब अगर हम देखेंगे तो देखिए वॉच में जो डे डेट टाइम है वो सेट हो चुका है। देखिए दोस्तों मेरे फ़ोन में टाइम हो रहा है 10:50 एंड देखिए दोस्तों वॉच में भी टाइम हो रहा है देखिए 10:50, बट दोस्तों इस वॉच में जो टाइम फॉर्मेट है वो 24 आवर्स वाला हो रखा है, तो यहाँ पे 10:50 की जगह 22:50 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसको आपने कैसे ठीक करना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ऐप में जाना है एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अदर फंक्शंस एंड यहाँ पे देखिए आ रखा है 24 आवर्स, तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। देखिए डिसेबल हो गया और देखिए अब वॉच में जो टाइम है देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों मेरे फ़ोन में भी टाइम हो रहा है देखिए 10:51 एंड वॉच में भी देखिए टाइम हो रहा है 10:51। एंड दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल करने के लिए आपने फ़ोन के ब्लूटूथ में जाना है एंड अगर आप सर्च करोगे देखोगे तो देखिए ऐसे वॉच कनेक्टेड शो करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है वॉच कॉल कनेक्टेड है और बैटरी भी दिखा रहा है देखिए 40% हमारी वॉच चार्ज है। तो दोस्तों ऐसे अगर आपके फ़ोन में वॉच शो हो रही है ब्लूटूथ डिवाइस में ऑडियो डिवाइस में कनेक्टेड है तो दोस्तों इस वॉच में जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला जो फीचर है वो काम करेगा, मतलब आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो वॉच में, कॉल रिसीव भी कर सकते हो एंड कॉल डायल भी कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ऐसे वॉच शो नहीं हो रही है, वॉच यहाँ पे कनेक्टेड शो नहीं कर रही है, तो दोस्तों इस वॉच में आप कॉलिंग वाला फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड दोस्तों अगर ब्लूटूथ कॉलिंग को कनेक्ट करने के लिए आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप सिंपली ब्लूटूथ लिस्ट में भी इसे सर्च कर सकते हो। अगर आप ब्लूटूथ लिस्ट में इसे सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों ऐसा शो करेगा वॉच कॉल। तो दोस्तों यहाँ से भी देखिए आप वॉच को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। तो देखिए दोस्तों ऐसा शो होना चाहिए आपके फ़ोन में, वॉच कॉल कनेक्टेड होनी चाहिए ब्लूटूथ लिस्ट में, तभी दोस्तों आप इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज़ कर पाओगे। एंड दोस्तों ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपकी वॉच आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर नहीं हो रही है तो दोस्तों आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने वॉच की सेटिंग में जाना है देखिए यहाँ पर, एंड सेटिंग में दोस्तों आपने वॉच को फैक्ट्री रीसेट कर देना है। देखिए सबसे नीचे यहाँ पे रीसेट वाला एक ऑप्शन मिलता है आपको, ये देखिए रीसेट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से दोस्तों आपने वॉच को फैक्ट्री रीसेट कर देना है और जब वॉच फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी तो दोबारा से दोस्तों आपने यही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको अभी बताया था, आपने ऐप इंस्टॉल करनी है और ऐप में जाके आपने वॉच को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी जो वॉच है आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।